अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सब मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा, शुक्रिया। तो जी, आज हम आपको सैर करवा रहे हैं मैरी टाइम म्यूज़ियम की। इस पार्क की हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये मैरी टाइम म्यूज़ियम पार्क हमें दिखाया जाए, तो सोचा कि आज आपको हम मैरी टाइम म्यूज़ियम ले ही चलते हैं। तो ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं मैरी टाइम गेट के ऊपर, क्योंकि मैंने करवा ली थी उबर और जुल्फ़कार साहब जो है वो ऑफिस से सीधा आएंगे। चले चलते हैं, आपको दिखाते हैं। जी, तो हम इस वक्त पहुंच चुके हैं पाकिस्तान मैरी टाइम म्यूज़ियम में, और ये इसकी एंट्रेंस है। और ये मैरी टाइम म्यूज़ियम है, बिल्कुल अरीना क्लब के साथ है ये। बच्चों की जो टिकट है वो है 30 रुपये की मेरी टाइम म्यूज़ियम की, और बड़ों की टिकट जो है वो 60 रुपये की है। टिकट हमने ले लिया है और चलते हैं अब अंदर। जुल्फ़कार साहब जो है वो ऑफिस से सीधा हम यहीं पर आएंगे और वो हमें ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। बच्चे मेरे साथ हैं, अब्दुल्ला मोहम्मद, हाय, चलिए से सलाम टू अंकल, थैंक यू भाई, ओके। तो जी जनाब, यहाँ पर चेकिंग करके, आंटी कुछ कह रही हैं, सुनो क्या कह रही हैं आंटी। तो मैंने यहाँ पर लेडीज़ के जो सामान की या बैग वगैरह की चेकिंग होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, हर जगह होनी चाहिए और हर जगह होती भी है। तो कुछ ऐसा है, एंटर होकर मेरे लेफ्ट हैंड पर ये आप जहाज़ देख सकते हैं नेवी वालों का, पीछे म्यूज़ियम है। वो बिल्डिंग जो आपको येलो सी नज़र आ रही है वो म्यूज़ियम है, मैं वो भी आपको अंदर दिखा दूंगी जाकर, लेकिन ओवरऑल व्यू मैं आपको पहले दे दूं। तो ये है एंट्रेंस, ये है गेट जहाँ से हम एंटर हुए अंदर, और ये सामने शॉप बनी हुई है नेवी वालों की, जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये भी मैं आपको दिखा दूंगी, ये आप ख़रीद भी सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट वगैरह की शॉप है ये, और बहुत हसीन है। इस यही टाइम होता है आने का। बच्चों आप आगे चलो। अस्सलाम वालेकुम, हम आए हैं मैरी टाइम म्यूज़ियम, जो हमारी हम दोनों का भी और हमारी पूरी फैमिली का भी बहुत फेवरेट है। मोहम्मद जी, आपको कैसा लग रहा है आके? अच्छा अच्छा लग रहा है। हाँ, मैरी टाइम, और हमारे एक बहुत ही अच्छे से सब्सक्राइबर है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं नीचे लिख दूँगी कहीं स्क्रीन पर सामने लिख दूंगी जब मुझे याद आ गया। तो उन्होंने कहा था कि प्लीज़ आप मेरी टाइम म्यूज़ियम की भी वीडियो बनाएं। तो इस वक्त मैं माजरा चाहती हूँ, मुझे नाम बिल्कुल जहन से निकल गया, बड़ा अच्छा सा याद किया। अरीना क्लब है, ये अरीना क्लब है, और बुफे रेस्टोरेंट प्लस यहाँ पर और भी पता नहीं कुछ खेलने वेलने का भी है, तो वो भी हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। हो सकता है, मे भी, कन्फर्म नहीं है कि आज हम वहाँ जाएँ या फिर हम आज जाएं कहीं और। तो ये हो गया, और ये सामने शिप है, कुछ व्यू ओवरऑल इस तरह का है। ये सामने आप दोस्त खड़ी है, यानी केशव मरीन, इसमें भी हम आपको जाकर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बाहर का सारा कैप्चर करना चाहते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त पार्क है, और इंतहाई मेंटेन किया हुआ है इस पार्क को।
पक्का सा चांद भी नजर आ गया है, बिल्कुल मेरे सर के ऊपर है। अब जाना गिरना नहीं। ये टैंक के अंदर की जगह है और अब मैं जंप करने वाला हूँ। वाओ, बच्चों के मज़े आ रहे हैं, बच्चे जो एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि इनको इनकी पसंदीदा चीज़ें मिल गई हैं। बच्चों को बस गन्स चाहिए होती हैं और ये सब करवाने कुछ। अब ये न जाने क्या हो रहा है। भाई माफ़ कर दो, उसको नीचे उतर आओ। नीचे आइए, आ जाइए फौरन, देर हो रही मुझे। ऑलमोस्ट मगरिब होने वाली है और ये सामने कैंटीन बनी है। यहाँ पर क्या क्या मिलता है तो चल के देखते हैं। मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ, कितने टाइम पर हम लोग काफ़ी टाइम बाद आए हैं और ईद का दिन था आई थिंक जब लास्ट टाइम हम आए थे ना, हो गए 2 साल, तो अब उससे बहुत ज़्यादा अच्छा बन चुका है। तब बन रहा था, काफ़ी कुछ हो रहा था। तो ये कैंटीन है और ये सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पर, वहाँ से कुछ ले लें और यहाँ बैठ के खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बना हुआ ये और सफाई का बहुत मियार है ये बाटखारा इन फूड जोन। और यहाँ पर मुझे चिप्स नज़र आ रहे हैं, जूसेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं और है जी दही, नहीं वो है क्या कहते हैं इसको, कहते हैं पानी पूरी, गोल गप्पे हैं, पानी है और बर्गर भी है। तो बर्गर भी है, आइसक्रीम भी है, चाट भी है, चना चाट भी है। तो बच्चों आप लोगों ने कुछ लेना है? मोहम्मद आपने कुछ लेना है या डैडी के साथ खाना है? डैडी के साथ गोल गप्पे और खाली शाम में तो हमने खाना खाने बहुत जाना है ना। अच्छा तो बता दीजिए जो भी है। ये काउंटर है जी वेलकम फूड जोन, फूडीज वालों का ये काउंटर है। बिरयानी, फास्ट फूड एंड चाइनीज अवेलेबल है जनाब। चाय वाला है एक यहाँ पर और एक ये है चिकन इन फूड जोन के नाम से। कराची में जब शाम हो जाती है मगरिब के बाद अमूमन लोग निकलते हैं और हम तो चूँकि वीडियो बनाने आए हैं इसलिए थोड़ा जल्दी आ गए और कुछ लोग हमारे से भी ज़्यादा जल्दी उनको वो भी आए हुए। आप अच्छे बेटे हो ना। और ये है जी लाइट हाउस, इसे लाइट हाउस कहते हैं। लाइट हाउस के ऊपर जाने का ये रास्ता है लेकिन ये फ़िलहाल बंद किया हुआ है और अच्छा किया हुआ है बंद है, वरना अब्दुल्ला ने कहना था मम्मी मुझे जाना है। और मेरे बच्चे देखें ज़रा नोट करें कहाँ चढ़े हुए। बी केयरफुल बच्चों, अब्दुल्ला बी केयरफुल, मम्मी की जान आ जाओ। ये है जी तोप, चले अंदर चलते हैं तोप के क्या है। कुछ भी नहीं है, इससे पहले कि कुछ आ जाए तो भागते हैं यहाँ से। बच्चों मज़ा आ रहा है और हवा कितनी अच्छी है ना, ठंडी ठंडी सी, बहुत ठंडी ठंडी सी हवा है। मामा ठंडी ठंडी सी है गरम गरम सी है, ठंडी ठंडी सी है। अच्छा ये तोप के बारे में ये लिखा हुआ है,
चिल्ला की हरकतें देखे जरा, ये जब भी आता है ना ये इस पे ही चढ़ता है। अच्छा एक मैं बता दूं कि रश ना होने की वजह भी है कि कोरोना वायरस का जो है एक बहुत ज़्यादा शोर मच चुका हुआ है, और अल्लाह पाक रहम करे सब पर, सब पर अपना रहम और फजल करे। लेकिन कहते हैं ना कि अफवाहें बहुत ज़्यादा फैला दी गई हैं, तो खैर बहरहाल इस तरह के र्यूमर से बचना चाहिए और ग़लत किस्म के र्यूमर्स नहीं फैलाने चाहिए कि लोग इससे डिस्टर्ब होते हैं और उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो सारी ख़राब होती हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। और स्कूलों से छुट्टियां हो चुकी हैं, बच्चों को 13 मार्च तक ऑफ दे दी गई है। बड़ा समय जल्दी जल्दी से आ जाए ना, बस उनके बगैर अच्छा नहीं लगता मुझे कहीं पर भी कुछ भी जाना, और खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन बहरहाल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ये नेवी का शिप है, इसके बारे में डिटेल ये लिखी हुई है, ये नेवी का शिप है और इसकी डिटेल ये है। शिप पे हम बहुत दफ़ा आते हैं बच्चे और मैं, और इतना खेलते हैं यहाँ पर आकर, ऊपर जाना ये चढ़ना डिफरेंट चीज़ें, पता नहीं क्या क्या लगी हुई, मुझे तो खैर इतना इल्म नहीं है। ये देखें उधर पे ऊपर चढ़ते हैं ना, फ्लैग के साथ भी लू ना अपने बच्चों की, फ्लैग के साथ अब्दुल्ला मोहम्मद स्माइल। बच्चे कहाँ गए? बच्चे अब्दुल्ला मोहम्मद दोनों मेरे पीछे, चले ऊपर चलते हैं। संस्कार साहब जो है अपने ऑफिस से ऑफ करके यहीं पर आने वाले हैं, कॉल आ चुकी है और उनके बगैर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अजीब सा उदासी सी लगती है जब वो साथ नहीं होते। लेकिन बहरहाल आपको दिखाना ज़रूरी था और इसीलिए मुझे दिन में आना पड़ा। बोल कम जा और ये शाजियास फैमिली सोतरा नहीं जा रहा है। ये ऊपर जाने के लिए ये खुल जाते लेकिन इसे लॉक लगा हुआ है। ये छोटी सी सबमरीन है, मुन्नी सी जहाज जा रहा है।
आ गए, वो मिल गए मुझे। मैं ठीक हूँ अलहमदुल्ला। आप आ गए? नहीं मैं भी नहीं। हम आपको मिस तो नहीं कर रहे थे ना अब्दुल्ला? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है ऐसा ही है। जी मैं आप मुझे मिस कर रहे थे कैसे? फिर से क्या देखते नहीं है? क्यों देखते नहीं है? हेलो डग, डिटेल से पार्क दिखाने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लेंथी ये वीडियो हो रही थी, तो सो अभी फ़िलहाल हम यही करते हैं दी एंड। और पार्ट टू में इंशाल्लाह हम आपको सबमरीन के अंदर लेके चलेंगे और सैर करवाएंगे और डिटेल से बताएंगे उसके बारे में, और साथ ही हम आपको करवाएंगे म्यूज़ियम की सैर। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।